करता ही करता है, इसलिए कि इस्लाम गैरत का और गैरत वालों का मजहब है। लेकिन पर्दे की बात तो हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब भी करती है। अगर आज से आप 10-20 साल पीछे जाकर के देखें तो अल्लाह अकबर, जो लोग मुसलमान औरतें नहीं हैं उन लोगों का भी ये हाल था कि वो हमारी गलियों में अगर झाड़ू देने के लिए आती थी तो वो भी घूंघट डाल करके चेहरा छुपा करके आती थी। आप लोगों ने अपनी माथे की आंखों से मंजर देखा होगा। तो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब में भी तो पर्दा है। अगर आज लोग पर्दे की मुखालफत कर रहे हैं तो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की भी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की मिट्टी में हया है, गैरत है। हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर जो है अल्लाह अकबर, औरतों के साथ मोहब्बत है, उल्फत है, प्यार है। कभी भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हिंदुस्तानी औरतों के साथ कभी जुल्म नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, अगर आज लोग हिंदुस्तान की किसी बच्ची के को बेनकाब करना चाहते हैं तो वो सिर्फ इस्लाम का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मैं उस बच्ची को सलाम करता हूं कि दर्जनों गुंडे एक तरफ चीख रहे हैं और वो बच्ची पर्दे की पाबंदी के साथ सैयदा ज़ैनब का किरदार लोगों के सामने पेश करके बता रही है कि अब भी कर्बला का वो पैगाम न मुसलमान मर्दों ने भुलाया है, न मुसलमान बेटियों ने भुलाया। और उस बच्ची ने भागने वाली और मुर्तद होने वाली उन बच्चियों को पैगाम दिया कि मुर्तद होने में इज्जत नहीं, गैरों का हाथ पकड़ के भागने में इज्जत नहीं। जब भी जमीन का सौदा हो तो इस्लाम पे डट जाने में इज्जत है। एक तरफ मुर्तद होकर भागने वाली वो बेटियां हैं जिनको कोई नहीं पूछता, और एक तरफ इस्लाम की वो बेटी है जो नारे तकबीर बुलंद करती है। तो सोचो अल्लाह के नाम में कितनी ताकत है कि उसने 3 मर्तबा अल्लाह हो अकबर कहा और एक गुमनाम घराने की बच्ची चंद सेकंड में पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गई। अल्लाह बता रहा है कि मेरे नाम की ताकत देखो, फज़कुरूनी अज़कुरकुम का जलवा देखो कि उसने अल्लाह पर 3 मर्तबा क्या कहा। उसके बाप को कोई नहीं जानता, उसके खानदान को कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह अकबर के नाम की बरकत के पूरी दुनिया में आज उसके नाम के डंके बज रहे हैं। और वो बच्ची का किरदार पूरे हिंदुस्तान की बेटियों को बता रहा है कि बिकने में फायदा नहीं, दीन से दूर होने में फायदा नहीं, भागने में फायदा नहीं, दीन पर डटने में फायदा है। और आज उसको वो इज्जत मिली इंशाल्लाह कि रहती दुनिया तक के उसका तस्किरा होगा, रहती दुनिया तक उसको याद किया जाएगा। और क्यों ना हो, कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो अल्लाह के रसूल के लिए है, और इज्जत तो नबी के वफादारों के लिए। जब जब कोई अल्लाह रसूल का वफादार होता है अल्लाह उसको ऐसे इज्जत अता करता है।